अपना मान अनुष्ठान गणेश पूजा रे पाला होछि आम नयागढ़ रणपुर अंचल पाला रे भरी रहिछि। एठी गायक तुंग तुंग गायक माने चली गले आउ किछि गायक अछन्ति सबु गायक मानकर पाला देखि सारिला परे आम भरी अकिंचन पालाकार मानक पाला देखा बसी धर्जर सहित कौ विषय पाला मंच धीरे एमती विषय किसी नहीं जहा कि आपण मैंने शुणी ना आउ जहा विषय ये प्रार्थना चैनल सारी दबा भक्ति सिद्धार्थ चैनल सारी दबा ऑल इंडिया रेडियो सारी दबा एफएम रेडियो सारी दबा आउ किछि पाला विषय बाकी नहीं आसला बेले बसा हो जड़े वयस्क महाशय देखाले बाबा आज कि विषय करिवो विषय सुनिबार इच्छा किछि पंडित कहछनि सेई विषय उडा बारंबार चली छि कह मुआजी आपण माने गोटे विषय शुणिवाकु जाउछि आपण माने शुणिछन्ति शुभधुंकर बाण भट्टंकर कविराज पंडितंकर व्यंग उक्ति एवं द्विमुखी काव्य को आपण माने श्रवण करिछन्ति मु से शुभधुंकर काव्य कहिबि नहीं बाण भट्टंकर कादंबरी काव्य कहिबि नहीं गद्य काव्य प्रवेश करी भी नहीं आज मोर गोटे ठाक पाला मु कह भी नहीं राघव पंडव्य कविराज पंडित लेखा मु आज गोटे संस्कृत द्विमुखी नाटक आपण मान निकट में शुणा को जाऊँगी श्रीहर दत्त सूरी राघव नैषधियम राघव पांडव्यम आपण माने शुणुले रामायण कहानी सहित महाभारत कहानी गोटे श्लोक आसू सब शुणी चली गले दिवंगत गायक केशरी उदयनेत्र शर्मा पाद तले प्रणाम ओडिशा चांचल्यकारी परिवेश सृष्टि कले संस्कृत नाटक लेखी चली गले बंशीधर महापात्र विश्वनाथ पटेल श्री मार्कंडेय बाहिनीपति योग्यतम सुत चक्रधर बारिकंकर श्राद्ध वार्षिक उत्सव होता मुझे चली गले चिलिका कूल बालुका हरिपुर मटीर पु जो मटीर आसी चंद्रकांत गायक रत्न लोकनाथ कर से आम मन पकाउ चली गले कटक जिलार गायक संघर वैष्णव प्रधान निशाकर षडंगी चली गले प्रहलाद साहू हाथ थरला लक्ष्मीधर राउत हाथ थरी थरुची जगन्नाथ बेहेरा शहे वर्ष पहुंची चलुंतान ना टे मन पकईदे भल लगे बरेण्य पंडित मंडली से रामायण रोटे श्लोक आसब रामायण कथा बाहर एवं नैषधीय चरित्रम मु श्रीहरशंकर नलदमयंती करी नहीं यह शंकर नलदमयंती आप बहुबार शुणी मु शुणी गोटे शोक आस रामायण कथा से ही शोक आस नैषध्य गरीब पंडित मंडली विषय टी बस बुद्धे शुण रम्य रस सत्य प्रत्यया पीयूष सत्य जुगर राजा आसवे तृतीय जुगर राजा आसवे पीयूष वत अमृत वत कार्यकलाप से जो सत्य जुगर राजा को आणवि तृतीय जुगर राजा को आणवि से राजा मानी भूसुर बोलते ब्राह्मण मान पाद तले सब बड़े प्रणाम करते जो व्यक्ति माने ब्राह्मण मान पाद तले दैनदिन प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करती जीवन समस्त पाप ध्वंस है खाली ब्राह्मण नुहति जो मैंने कवि कलाकार जो मैंने मुनि ऋषि से मानकर पाद तले पड़ी आशीर्वाद ग्रहण करवा उचित शोकटीए बोल कवि हेले श्रीहर दत्त सूरी से राजा किए से सत्य जुगर
ତୃତୀୟ ଯୁଗର ରାଜା କି ବିମୁକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶୋକରୁ ଦୁଇଟା ଯୁଗର କଥା ଆସିବ ବୋଲେ ଦଶରଥ ଇତି ନାମନା ବୀର ସେବା କ୍ଷତି କବି କହିଲେ ଶ୍ରୀହର ଦତ୍ତଶ୍ରୀ ରାଘବ ନୈଷଧ୍ୟମ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ନାଟକ ମୁଁ ରାଘବ ପାଣ୍ଡବ୍ୟମ ଗାଉନ ଦଶରଥ ଇତି ନାମନା ବୀର ସେନ କ୍ଷିତିଶ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜା ହେଲେ ବୀର ସେନ ଶୋକ ଗୋଟିଏ ଶୋକରେ ଦୁଇଟା ଯୁଗର କଥା ଆସିଲା ତୃତୀୟ ଯୁଗର ରାଜା ହେଲେ ଦଶରଥ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜା ବୀର ସେନ ତୃତୀୟ ଯୁଗର ରାଜା ଦଶରଥ ଦଶରଥ ଇତି ନାମନା ବୀର ସେନ କ୍ଷିତିଶ କ୍ଷିତି ତଳ ବିଭୁଦାନଙ୍କ ବନ୍ଦ ଚୋପ୍ରାଗ୍ମ କ୍ଷିତି ତଳ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ବିବୁଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କବି ବାଲ୍ମୀକି ବଶିଷ୍ଠ ଭୃଗୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ଇଏ ସମସ୍ତ କବିମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ଦଶରଥ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ବୀରସେନ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ଘୁଷୁରେ ପାଦ ଦାସୀର ଘୁଷୁର ଭୂମାନେ ପୃଥିବୀ ସୁର ମାନେ ଦେବତା ପୃଥିବୀର ଦେବତା ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ ଆମେ ସମ୍ମାନ କଳିଯୁଗରେ ଦଉଛୁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆସିଲା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କାଶୀ ଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର କବି ହେଲେ ବ୍ୟାସ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଆସିବେ ବସା ବହୁତ ଦୂରରେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଲା ଶୁଣିପାରୁନି ଏଠିକି ଆସି କିଛି ସମୟ ଶୁଣି ଆମେ ଯାଉ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ବସାଘରଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ ହେଲେ ଭଲ କେମିତି ସମାଲୋଚନା ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାକୁର ଗାୟକ କରିବେ ଯାହା ଶୁଣିଥିବେ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ସେ କୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଶରଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ ବୀର ସେନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ବିଷୟରେ ଦଶରଥ ଆସିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ନିଷେଧର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ସେନ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜା ଉଭୟଙ୍କର ଗୁଣ ସମାନ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ସବୁଦିନ କବି କହିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ସେ ନା ଯଜ୍ଞ ଶୁକ୍ର ଗଳେ ଯଶ୍ୟ ଯାହାର କାନ୍ଧରେ ଯଜ୍ଞ ଶୁକ୍ର ମାନେ ପଇତା ପଡ଼ିଥିବ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପଇତା ପକାଇ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ସୌକିନ ପଇତା ପକେଇ ଦେଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ ତା ନୁହେଁ ଯଜ୍ଞ ଶୁକ୍ର ଗଳେ ଦଶ୍ୟ ସ୍ୱତରିୟମ ସୁନିର୍ମଳମ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରୀୟଟା ପଡ଼ିଥିବ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ହେଇଥିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଥିବ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଥିବ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଉତ୍ତରେ ଯଦି ମହିଳା ଦେଖିଲେ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ତା ତଳ ପାଦ
नित्य भौतांशी बासांशी सब दिन ब्राह्मण भोग वस्त्र परिधान करिबे ब्राह्मण भुआ वस्त्र पिंधिबे बा नुआ वस्त्र पिंधिबे जदि नुआ नहीं ताहले कौन करिबे जो वस्त्र भी आगे पिंधिबे काले तक धोइबे तापर जो भोग वस्त्र पिंधिबे नित्य भौतांशी बासांशी भाले तिलक लांछितम ब्राह्मण ललाट तिलक थी चंदन थी शास्त्र कहे जो ब्राह्मण ललाट में चंदन लगे रखे तिलक परिधान कर रखे से ब्राह्मण को नमस्कार कराजा उचित नुहे नास्ती जो भी प्रमस्तक तिलक बिना नमस्कार न कर प्रचुर परिश्रम पंडित माने कहते देखिए ब्राह्मण चंदन लगे क्षेत्र ना आजिकल पाठुआ पिला माने स्कूल कॉलेज रे पढ़ुंट व्रत उपनयन पर चाकरी बाकी कला चंदन लगे तक लाज लगुच कहो मोर हटा जुगर लोक तू चंदन लगे आसीचु कई भाई मोर चंदन लगे तेरे बरेण्य पंडित मंडली चंदन ब्राह्मण सब दिन लगे जदि ब्राह्मण चंदन लगे नए प्रणाम करेंगे दशरथ बीरसेन देखते ब्राह्मण मस्तक चंदन अच्छी आउ कवित्र उपरौजस्य हाथ में ब्राह्मण पात्री थी पवित्र पवित्र मान पात्री आजिकल ब्राह्मण सब हाथ में पात्री धरी उन बजार आस ब्राह्मण सांगे पात्री नहीं थे कौटी गोटे समस्या पड़ा गोटे पूजा जुटीगला पात्री पाखे थे तो सपवित्र कर उदस्य जन्मी भी कुश गर्भिणी अंता ब्राह्मण अंता कुश खोसाई हयो उमाकांत बाबू तुम्हें केन्द्रापड़ ब्राह्मण आस ब्राह्मण नायक पाखे ब्राह्मण बायक तुम अच्छा तुम अंटा कुश अच्छी ना बाहर खुशी दिए लाभ भी गोटे देखिए ब्राह्मण अंटा कुश रही सानमौली शिखा ग्रंथी मुंडे गोटे शिखा बंधर जो चुट्टी गोटे लंबा ही गोटे गोटी पर जो फाश पड़ी से ही ब्राह्मण आउ ब्राह्मण किए स्मृति पुराण दिया ब्राह्मण परिकृतिता खाली एति की चित्र देखे हमें से वेद जानते संहिता जानते अष्टादश पुराण ज्ञान थी ब्राह्मण गोसई ताको जो भी जी जहाँ पचार संशय दूर करने से उत्तर दे पारे ब्राह्मण ब्राह्मण बाबुली अने मन कौ ब्राह्मण समाज सदा बंदी उमा कतरे छिड़ा हो केन्द्रापड़ तुम आस तुम्हें भी ओडार जिते जन बायक अच्छा से बायक भितर तुम तालिका अच्छी शिक्षित पिला तुम्हें संस्कृत शास्त्री पास कर ब्राह्मण को आम नना बोली रख तुमको आम पिला नना रखुं मत नना रखुं वो से मानू नना रखुं कही पार ब्राह्मण को नना कहीं कह जाए ब्राह्मण भूसुर विपिल द्विज ब्राह्मण विज्ञानी गुरु शिष्य गुरु देही बाप तु नना उचित धन्यवाद शोक बोली थी ब्राह्मण गोटे ब्राह्मण ना भूसुर भूसुर ब्राह्मण ना ब्राह्मण भूसुर विप्र गोटे ब्राह्मण ना बीज गोटे ब्राह्मण ना ब्रह्म गोटे ब्राह्मण ना विज्ञानी गोटे ब्राह्मण ना अग्नि शिष्य गोटे ब्राह्मण ना गुरु देही गोटे ब्राह्मण ना आउ ब्राह्मण को बाकपटु कह जाए ये नौटा ना थे सात से ब्राह्मण नना कहुए जिते नना गोसे अयोध्या कटक जिते नना गोसे सत्य युग में निषेध कटक वीरसेन जिते नना देखते समस्त मुंडिया मारती दशरथ जिते नना देखते सब ब्राह्मण मान को मुंडिया मारती ¡Gracias!
साधु संग बसित दशरथ तृतीय जुगर राजा अयोध्या कटक वीरसेन निषेध कटक राजा सत्य जुगर ये उभयंकर कर्म थिला ब्राह्मण को सम्मान दे साधु मान को प्रणाम करिए वरेण्य पंडित मंडली ये दुई जन राजा अयोध्या निषेध कटक कीर्ति विस्तार हो स्वर्ग लक्ष्य परिणत करते मत लोक को स्वर्ग लक्ष्य परिणत करंडली सत्य जुगर राजा वीरसेन गोटे पुहला त्रेते जुगर राजा दशरथ डिटेल जाहबनी क्या गोटे श्लोक रु संक्षिप्त अर्थ आसो विषय को आगे ना दशरथ चारिटि पुहले शोक का कहीं श्रीहर दत्तसुरी राघव वैशियम लेखे तो चारि पु शोकेध कटक राजा वीरसेन चारि पु बाहर यार कहीं गोटे शोक लेखि काव्यकर्ता भूल बाकी ना रे प्रेमी कवि से उच्चमना कवि से लेखा भूल लेखले श्लोक सुस्कृत द्विमुखी नाटक राघव नैषम श्रीहर दत्त सुनी लेखले श्लोक राम सनल प्रति सुसत्य सद्ध भरत शत्रु गोटे तृतीय जुगरे दशरथ चार ये गोटे या चारि कवि कहले राम भी राम सनल प्रतीत प्रथम श्लोक द्वितीय श्लोक प्रथम पाद कवि कहले राम भी राम ये नल जी निजे राम वीरसेन जो पुटे जन्म नल सी निजे राम से निजे अभिराम से राम कहीं राम पाप करवन राम अर्थात नल अग्नि को पूजा करुले आशीर्वाद पाई बापा अग्नि स्वरूप को बहन करते ठीक मके जा नल राम राम मान अग्नि बरेण्य पंडित मंडली या ना राम ये राम पाखे तीन जन भाई रही लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नलों पाखे जड़े रही अर्थात सलक्ष्मण स भरत स शत्रुघ्न नलंक पाखे उत्तम लक्षण थिला लक्ष्मण समस्त प्रकार भार को बहन करने स्वभावंत आकर्षण थे नल भरत समस्त शत्रु मान को दमन करने शक्ति थिला शत्रुघ्न स्वरूप को बहन करते नल सेपटे राम ये पटे नल किंतु आसला लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बरेण्य पंडित मंडली आगे स्वभाव केमी सत्य प्रति सुंदर
एपटे राम सेपटे नाम जन्म सत्य।